गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन स्टैंडर्ड 2. सो लास्ट टाइम आई ऑल गेव यू द होमवर्क. आई विश यू ऑल कंप्लीट दैट होमवर्क एंड वी कंप्लीट दैट आवर यूनिट 7 ऑन माय ब्लैक बोर्ड. आई कैन ड्रॉ, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एंड आई ऑल्सो गिव यू होमवर्क इन नोटबुक. राइट क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक और हार्ड वर्ड्स और दिस पोएम ऑल्सो यू हैव टू राइट इन नोटबुक. ओके, इफ यू आर नॉट डन देन यू हैव टू राइट नाउ ओनली. ओके, अगर आपने नहीं किया है अब तक तो अब आपको कंप्लीट कर देना है. देन आफ्टर आई गिव यू द कलर होमवर्क. होमवर्क में मैंने आपको इसमें कलर करने दिया था. ओके, चलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 108. ओके, सो यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लू फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर जो हमें पिक्चर दिया है वो हमारे लिए क्लू मतलब कि क्या, एक ऑप्शन दिया हुआ है. जैसे कि पिक्चर को देख के हमें अंदाज़ा लगाकर आंसर लिखना है. ठीक है, ही इज़ एज बिजी एज, तो ये क्या है, बी, तो बी डबल ई बी यानी वो बिज़ी रहता है. कि इसके तरह बिज़ी रहता है, बी बी यानी कि मक्खी, मक्खी की तरह बिज़ी रहता है सब ऐसे. मतलब वो मक्खी कैसे एक जगह पर बैठती नहीं है ना, यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है. तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि ही इज़ एज बिजी एज बी. राज इज़ एज स्लो एज अ स्नेल. चलो बी की स्पेलिंग यहाँ पर देख लो, बी डबल ई बी. स्नेल यानी कि देखो ये, इसको इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे एस एन ए आई एल, स्नेल. स्नेल की तरह स्लो है. राज जो है, राज इज़ एज स्लो एज अ स्नेल यानी राज जो है वो किसकी तरह स्लो है, तो स्नेल. दिस पेन इज़ एज लाइट एज अ फेदर. चलो फेदर की स्पेलिंग एफ ई ए टी एच ई आर, एफ ई ए टी एच ई आर, फेदर मतलब कि पीछू. अपने गुजराती में जिन्हें पीछू कहिए ने, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फेदर. मतलब दिस पेन इज एज लाइट एज यानी कि किसकी तरह लाइट है, मतलब इसका कुछ वो हैवी नहीं होता है वजन, लाइट होता है, मतलब उसकी तरह एकदम लाइट पेन है ये. ठीक है, तो फेदर. माई हेयर इज एज ब्लैक एज, मेरे बाल ब्लैक है किसकी तरह, तो डार्क नाइट. ये क्या है, डार्क नाइट है ना, काली रात की तरह उसके बाल भी काले है. तो चलो लिखेंगे डी ए आर के डार्क, एन आई जी एच टी नाइट, डार्क नाइट. माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज डार्क नाइट. चलो मैं आपको फिर से करवा देती हूँ. यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लू फिल इन द ब्लैंक्स. ही इज़ एज बिजी एज अ बी डबल ई बी. Raj is as slow as a snail, snail. This pen is as light as a feather, feather, feather. My hair is as black as dark night, darknight, night. Okay, चलो. Ask your friend too. भी आपको आपके friend को पूछना है. कीप हीज माउथ वाइड ओपन. वाइड यानी वाइड मतलब गुजराती में पोहड़ू, मतलब उसको बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड को बोलना है कि आपका मुंह खोलो यानी एकदम. देखो इसने कितना मुंह खोला है, एकदम बड़ा सा, तो उसको वाइड ओपन बोलते हैं. उसके बाद है कीप हीज माउथ हाफ शट. हाफ शट यानी कि आधा बंद और आधा खुला, इस तरह. ये वाइड ओपन है, ये हाफ शट है. अब आपके फ्रेंड को आपको क्या बोलना है, कीप हीज माउथ फुल्ली शट. फुल्ली शट मतलब पूरा मुंह बंद करना है. तो यहाँ पे आपको थ्री टाइप्स के माउथ की एक्शन बताई, जैसे वाइड ओपन एटले गुजराती में शू थाय, पहड़ू, जितना आपका मुंह खुल सकता है उतना आपको मुंह खोलना है. उसके बाद कीप हीज माउथ हाफ शट यानी आधा खोलना है. उसके बाद है कीप हीज माउथ फुल्ली शट यानी पूरा बंद रखना है. ठीक है, आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड वाइड ओपन, हाफ शर्ट एंड फुली शर्ट. ऐसा आप माउथ के साथ हमने किया है, तो अगर आप
डोर के साथ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइड ओपन, यानी कि डोर आपको वाइड ओपन करना है, यानी पूरा डोर खोल देना है। फिर हाफ शर्ट यानी आधा बंद रखना है और आधा खोलना है, और फुल्ली शर्ट यानी पूरा बंद कर देना है। तो डोर के लिए आप ये घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 109। चलो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द राइट सेंटेंस। चलो राइट सेंटेंस फाइंड करना है। रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो। हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दी है उसकी पेयर यानी कि उसकी जोड़ी जो दी है वो हमें नीचे देखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकेंड सेंटेंस विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड। फिर जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें हमें ऑपोजिट लिखना है, जो रेड में ऑलरेडी दिया है उसका ऑपोजिट। द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे अब क्या है, रेड में फास्ट लिखा है, तो ये जो बॉय है यानी कि जो लड़का है वो कैसे रनिंग यानी कि भागना है ना, तो कैसे रनिंग कर रहा है, तो फास्ट। तो उसका अपोजिट कहेंगे द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो। रनिंग का वॉक हो जाएगा, रनिंग यानी भागना, तो हम फास्ट भाग सकते हैं लेकिन स्लो भाग नहीं सकते ना, इसलिए उन्होंने उसका वॉकिंग चलना कर दिया। रनिंग यानी भागना और वॉकिंग यानी चलना, तो द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो, SLOW स्लो हो जाएंगे, ठीक है। फास्ट का अपोजिट यहाँ पे क्या है, स्लो। चलो उसके बाद है द क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी। क्लाउन यानी जोकर, जोकर को हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, क्लाउन। तो क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी, तो क्लाउन अगर बहुत हैप्पी है, ठीक है, तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, सैड। तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, द क्लाउन इज़ वेरी सैड, SAD sad। चलो नेक्स्ट क्या है, द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ लूज रॉप। लूज यानी कि अपने गुजराती में कहें ना ढीलू, यानी कि ये जो रोप यानी जो रस्सी है वो एकदम लूज है, उसके ऊपर जो गर्ल है वो वॉकिंग यानी चल रही है, ठीक है। तो हम क्या है उसका अपोजिट करेंगे, द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। लूज का क्या हो जाएगा, टाइट, TIGHT, टाइट। समझ में आ रहा है कि ये लूज रोप यानी कि एकदम गुजराती में जिन्हें आपने ढीलू कही है, ढीली रस्सी ऊपर छोकरी चाले छे, तो उसका अपोजिट करके हमने क्या कर दिया, टाइट रस्सी पर वो चल रही है ऐसा। चलो द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो, द क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी, द क्लाउन इज़ वेरी सैड, द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन द लूज रोप, द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 जो है उसकी जो ये वाली एक्सरसाइज है उसके ये 3 जो सेंटेंस है वो आपको 3 टाइम्स नोटबुक में लिखने हैं, देख कर, ठीक है। जैसे ये 2 सेंटेंस लिखने हैं 3 टाइम, फिर ये 2 सेंटेंस 3 टाइम, और ये 2 सेंटेंस, ओके। आज के लिए इतना ही, इसके बाद का जो पेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। थैंक यू।